समधि का मतलब होता है सम, का मतलब होता है बराबर, और धी का मतलब बुद्धि। जब लड़की के पिताजी और लड़के के पिताजी दोनों की बुद्धि समान हो तभी समधियाना वहां करना चाहिए, तभी बेटा बेटी का विवाह करिए। लालची लफंगों के यहां विवाह नहीं करना चाहिए। हाँ, जो लालची हैं पहले तो कहेंगे ना ना अगुआ से क्या कहें, ना ना कौन, अरे लेन देन का तो कौन सवाल ही नहीं पैदा होता महाराज, हम तो लेन देन करते ही नहीं है, एक रुपया नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी मिल जाए बस। चलो लड़की देख लिए, तब धीरे से जब लड़की देख लिए सारी बात तय हो गई, तब अगुआ के कान में कहेंगे, जानते हैं बड़े वाले लड़के में इतना पाए थे, जो भी उनका डिमांड होगा। तब धीरे से बोलेंगे कि बड़े वाले लड़के के विवाह में इतना दहेज मिला था, मतलब वो कहना चाहते हैं कि इस करे ऊपर ही रहे नीचे न आवे पावे। तब उस समय चाहिए कि बस जूता उतार के उनके मुंह पे दो ही जूता मारे खींच के, कि पहले कह रहे थे कि कोई सबकी ये आदत है, कोई एक की बात ऐसी नहीं है, सब यही करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं इतनी ईमानदारी से कहते हैं, समझ रहे हैं थोड़ा इज्जत वाली बात है, थोड़ा वो भी मेंटेन करके रखिएगा, हाँ इतना चल रहा है, इतना तो कम से कम चाहिए ही चाहिए। तो फिर पहले क्या कहते कि लड़की अच्छी चाहिए, क्यों कहे थे? देखो, या तो बहू ही घर में ला लो, या तो घर में धन को ला लो, दो ही चीज है। अगर आप लड़की को लाएंगे, केवल लड़की को, तो वो लक्ष्मी बनकर के आएगी आपके घर में, आपके घर को प्रकाशित कर देगी। और आप लक्ष्मी के बदले नोट लेकर के लड़की को लाएंगे, तब वो लक्ष्मी बनकर के नहीं आएगी, तब वो का बन के आई, काली बनकर के आई, काली बनकर के आई। इसलिए विवाह करिए तो केवल लड़की को लाइए घर में, और ये जो लेन देन की प्रथा है ना, ये भी बंद होना चाहिए, ये भी बंद होना चाहिए। सब दे रहे हैं, चाकू, छिलनी, झाड़ू, पोछा, गैस सिलेंडर, चूल्हा, ऐसे मिक्सर, वॉशिंग मशीन, सिलाई मशीन, गन्ना पेरने वाली मशीन, पानी निकालने वाली मशीन, सब दे रहे हैं, हाँ कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि आप अपनी बेटी का विवाह इतना कंगाल आदमी के घर में कर रहे हो कि उसके घर में गैस सिलेंडर चूल्हा भी नहीं है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम इतना कंगाल आदमी के घर में शादी कर रहे हो कि उसके घर में कुछ नहीं है, हाँ कुछ नहीं, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। कुछ नहीं देना चाहिए, स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा से जो कुछ भी हो, दक्षिणा स्वरूप में जो कुछ आप देना चाहते हैं, हीरा जौहरा, जो भाई लड़की की आवश्यक चीजें हैं, जैसे उसके लिए जेवरात हो गए, कपड़े हो गए, ये सब आप जितना लदाना चाहें, दो चार ट्रक सोना चांदी लदा के भेज दो, कौन मना कर रहा है? टीना टबाड़ी भेज रहे हो, चार दिन में सोफा का धज्जिया उड़ जाएगी, कूलर गाड़ी खटारा हो जाएगी, सब मामला बिगड़ जाएगा। ये सब धीरे धीरे करके बंद करना चाहिए। लड़की केवल घर में लड़की को लाओ, लक्ष्मी बन करके आएगी और आपके घर को प्रकाशित कर। देखिए, लड़की भी तो जानती है ना कि हमारे ससुर ने हमारे पिताजी से कोई दहेज नहीं लिया है, केवल हमसे विवाह किया है, वो आपका मान सम्मान करेगी, मान सम्मान करेगी। और वो अपने पिताजी को देखी है कि रोज फोन आता रहा, मोटरसाइकिल ना है बुलेट दे, वॉशिंग मशीन वो फलाने कंपनी के दे, ब्रांडेड दे, वो तो भाई घर में तो चर्चा होती है। तो लड़की अपने पिता के कष्ट को देख करके मनी मन कुड़ती रहती है कि घबरा मत, आवत है तब तोर ब्रांडेड निकालो, हाँ जब तक हम नहीं आए हैं तो ब्रांडेड ब्रांडेड चिल्ला रहे हो, आएंगे तब तुम्हारा ब्रांडेड निकालते हैं।
तब यही होता है, इसीलिए तो ये सब मामला गड़बड़ाया है। इसीलिए कुछ नहीं लेना है, बस घर में लक्ष्मी लाओ, केवल बेटी को लाओ घर में, बस और कुछ भी जो उनके पिताजी से इच्छा से दे दें, मांगना नहीं है कभी किसी से। देने के चक्कर में बेचारे जिनकी तीन चार बेटियां हैं, वो बेचारा देते देते ही पूरा जीवन उसका खत्म हो जाता है। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं? जीने का अधिकार, उसको भी जीने दो, उसको भी जीने दो, इस चक्कर में आप बिल्कुल मत रहो। इसलिए समधि का मतलब होता है क्या, कि जिसका विचार मिले, जिसकी बुद्धि मिले, वो समधि है। ऐसे लोगों के घर में अपनी बेटियों का विवाह करना चाहिए, ऐसे घर। और जहां बुद्धि ना मिले, विवेक ना मिले, जहां पे विचार ना मिले, वहां बिल्कुल विवाह मत करिए, बिल्कुल विवाह मत। इसलिए कोशिश हमको यही करना है कि घर में लक्ष्मी लाएं।